स्वागत है आपका हमारी एसजी रॉयल वर्क यूट्यूब चैनल पे। हमारे पास यहीं पे रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 सीसी है और इसका जो फ्रंट व्हील है वो पूरा जाम हो चुका है। यहीं पे हाथ से घुमाने पे भी व्हील नहीं घूम रहा है, डिस्क ब्रेक जो है वो पूरा जाम हो चुका है। तो इसकी जो डिस्क ब्रेक है वो पूरी हम सर्विस करने वाले है, यहीं से लेकर यहीं तक पूरी डिस्क ब्रेक जो है वो सर्विस करने वाले हैं हम। यहीं पे आप डॉट्स के निशान देख सकते हो। कल रात को ये बुलेट मेरे भैया के पास थी और रास्ते में ही व्हील जो है वो पूरा जाम हो चुका, फिर जाके पत्थर से चोट लगा के इसको कैसे भी करके फ्री करके इधर लाया गया है। उसका भी यूट्यूब चैनल है डायमंड के रिलेटेड, तो आप डायमंड में इंटरेस्टेड हो तो यहीं पे आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी उसके चैनल की, तो आप जाके चेक कर सकते हो। भाई चलिए बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। डिस्क ब्रेक को फुल निकाल के पूरा सर्विस करते हैं, इसको हमें निकालना पड़ेगा। और यहीं पे आप देख सकते हो ये जो ऑयल का ढक्कन है इसको भी ओपन करना पड़ेगा, तो ये सबको करते हैं सर्विस। हमने जो कैलिपर है इसको ओपन कर लिया है और यहीं पे देख सकते हो ये दोनों पिस्टन है इसके। गाइस ये जो पिस्टन दोनों है वो उसके अंदर जो है वो दो रिंग रहता है रबड़ का, वो जाम हो गया होगा उसकी वजह से पिस्टन जो है वो बाहर निकलने के बाद अंदर वापस जाना चाहिए वो नहीं जाता होगा, उसकी वजह से ब्रेक जो है वो जाम हो जाती है। कैलिपर को है इसको पूरा ओपन करके हम इसको पूरा सर्विस करने वाले हैं। यहीं पे आप देख सकते हो ये जो डिस्क ब्रेक का ऑयल है वो भी पूरा खराब हो चुका है, उसमें डस्ट आ चुका है, आप देख सकते हो यहीं पे पूरा खराब हो चुका है ऑयल, तो इसको भी हम चेंज करने वाले हैं। तो फटाफट ये पिस्टन को बाहर निकाल के ये सारी बॉडी जो है इसको डीजल से वॉश करके सर्विस करते, नया रबड़ लगा के फिटिंग करते।
तो दोस्तों फाइनली डिस्क ब्रेक जो है वो सर्विस हो चुकी है। यहीं पे आप देख सकते हो व्हील पूरा फ्री घूम रहा है। पहले कितना घुमाते थे फिर भी व्हील जो है वो घूम नहीं रहा था। यहीं पे आप देख सकते हो पूरा फ्री घूम रहा है व्हील। और अभी ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक भी बहुत स्मूथली लग रही है। आप देख सकते हो ब्रेक लगा के बाद में भी वो व्हील पूरा फ्री घूम रहा है। तो फाइनली डिस्क ब्रेक सर्विस हो चुकी है। इसकी रबड़ की किट जेन्युइन 200 रुपये की आती है। इसमें ऑयल डालना है हमें, बाकी इसमें ऑयल वगैरह डालना है और बाकी सब सर्विस करना है।